मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, आज इस वीडियो राही मैं थोड़े नाल क्लास 10 द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर डिस्कस करने जा रही। ठीक है बच्चों, जिहड़ी यह पोयम है ये किसने लिखी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक एक गीतांजलि उन्होंने लिखी सी, जिहदे करके उन्होंने नोबल प्राइज ना सम्मानित किया गया सी, जिहड़ा कि दुनिया का बहुत वड्डा पुरस्कार हुंदा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं गीतांजलि बुक करके वह पुरस्कार मिलिया सी, ते उन उस बुक दे विच दा एक पार्ट है यह पोयम। यह एक प्रार्थना है, ठीक है, क्योंकि यह जिहड़ी पोयम है यह उस समय दे विच लिखी गई है जदों भारत देश गुलाम सी, तां उन्होंने एक प्रार्थना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने एक कल्पना की है कि जिहड़ा मेरा भारत है वह किहो जिहा देश होएगा, आजादी मिलेगी, आजादी देश दे विच वाद वह किहो जिहा देश जिहड़ा किहो जिहे लोग होणगे उस देश दे विच, ते क्या वह परमात्मा तो प्रार्थना करता है कि मेरे देश दे विच ये सब गल्लां होण। ठीक है, तो सब तो पहले लाइन की है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हैड इज हेल्ड हाई, तो वह अपने देश भारत दे लई, ठीक है, कल्पना करता है कि जिहड़े लोग ने, ठीक है, उन्हां दा वह बिल्कुल उन्हां दे विच कोई भी डर नहीं होएगा, मेरे देश के लोगों के एक आजाद जिंदगी जिहड़ी वह जीएंगे, ते एंड द हैड इज हेल्ड हाई, ते वह सिर उच्चा चक के जीएंगे। ठीक है, जिहड़े गुलाम लोग हुंदे ने उन्हां नूं इजाजत नहीं हुंदी कि वह सिर उच्चा चक के जीन, पर जिहड़े आजाद लोग हुंदे ने उन्हां वह सिर उच्चा चक के जी सकदे हुंदे ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहंदे ने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एक कल्पना है, एक भारत देश की कल्पना है, एक प्रार्थना है परमात्मा दे अगे कि एहो जिहा देश होवे जिथे कि लोग जिहड़े ने ओह उन्हां दे मना विच किसी तरह का कोई डर ना होवे, ते ओह अपना सिर उच्चा चक के जी सकन। ठीक है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जिथे जिहड़ा ज्ञान है ना, नॉलेज है, सिक्ख्या है, वह बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई उते खर्चा ना होवे, फ्री मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हुण इहदे विच की है कि ओह कहंदे ने कि मेरा देश अजिहा होवे जिहड़ा कि टुटिया ना होवे, टुकड़े टुकड़े ना होया होवे, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बटे जिवें असीं जात पात दे आधार ते, है ना, धर्म के आधार से, रंग के आधार से असीं आपस च वंडियां पा लैने, है ना, कि जिहड़ा रविंद्रनाथ टैगोर की कहंदा कि मेरे देश के लोग वंडे ना होण आपस दे विच, ओह इक उहनां दे विच यूनिटी होवे, उहनां दे विच एकता होवे। ठीक है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की है जिवें कास्ट जाति के आधार से, धर्म के आधार से साडे लोग जिहड़े आ उह आपस दे विच वंडे होए ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, कहिंदे जिहड़े लोग ने ना मेरे देश के लोग ओह उन्हां नूं की आदत होवे ओह सच बोलन, है ना, ओह जो कुछ ओह झूठ दा सहारा ना लैन, ओह छल कपट दा सहारा ना लैन, ओह की करन सच बोलन। ठीक है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ, मतलब वो सच बोलन। हाँ जी बच्चो, नेक्स्ट ही है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब अंथक मेहनत करने वाले। ठीक है, तो जेहड़े कवि कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि जेहड़े लोग ने ना मेरे देश दे वो कहो जे होंगे, वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, तो वो इन्नी मेहनत करने की आदि होंगे कि उन्होंने की सोच होगी कि उन्होंने परफेक्शन वाल जाना, खुद भी परफेक्शन वाल जाना है, ते देश नूं भी परफेक्शन वाले वाल लेके जाना है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन मतलब जिहदे विच कोई कमी ना हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होवे, इहो जिहा देश होवे जिथे परफेक्शन आऊगी। परफेक्शन किवें आऊगी? जदों देश दे लोग जिहड़े ने ओह अंथक मेहनत करनगे। ठीक है बच्चो, उस तों बाद की है वेयर द क्लीयर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। हाँ जी बेटे, डेड हैबिट्स केड़ियां हुंदियां ने कि जदों असीं अंधविश्वासी हो जांदे, है ना, असी मतलब जिहड़ा मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी कहिंदे कि लोक ना मेरे देश के अंधविश्वासी नहीं होणगे, वह तर्क के आधार से गल्लां करनगे,
ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨ ਟੂ ਐਵਰ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਥਾਟ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਹੈਵਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਹੈਵਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਲੈਟ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਅਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਨੈਰੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।